हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। देश में लगातार बलात्कार के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अपराधियों के मन में कानून का जैसे कोई खौफ ही नहीं बचा। यूपी में अभी हाथरस का मामला थमा भी नहीं है कि एक और घटना ने तूल पकड़ लिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी में पिछले एक हफ्ते में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 13 भयावह घटनाएं घटी हैं। खबरों के अनुसार 4 घटनाओं में पीड़िता की हत्या कर दी गई या पीड़िताओं ने आत्महत्या कर ली। महिला सुरक्षा की ये दुर्गति विचलित करती है। सीएम साहब को इस पर स्पेशल सेशन करने का समय नहीं है। हाँ, फोटो सेशन चालू है। इस ट्वीट पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता देवेंद्र यादव और बीजेपी के नेता विजेंद्र नाथ जोगी। देखिए क्या कहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा भी मोदी जी का ही है, और जो अपराध यूपी में जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही है उनमें अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और जो लोग नहीं पकड़ाए गए हैं उन पर पुलिस ने वो कायदा इनाम रखा है, उनको आज नहीं तो कल पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग जेल में हैं, उन सब पर कार्रवाई होगी। योगी सरकार में अपराधियों का बचना नामुमकिन है। आप देख रहे हो योगी सरकार ने अपराधियों के लिए जितना काम किया है, हमें नहीं लगता कि किसी और सरकार ने 70 सालों में किया होगा। इसलिए योगी जी को बदनाम करना छोड़ो, और योगी जी जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं उसमें योगी जी का साथ दो, योगी जी का समर्थन करो। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों 13 से अधिक ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अपराध, दुष्कर्म, बलात्कार की घटना हुई, जिसमें या तो 4 महिलाओं ने या बच्चियों ने आत्महत्या कर ली या उनकी हत्या कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने जाने पर उन्हें रोका गया। साथ ही प्रियंका गांधी के साथ भी प्रशासन ने बदतमीजी की। तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी की सरकार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, अपराधियों का राज है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो है कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। अपराधियों का बोलबाला है, और दुष्कर्म के अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। प्रशासन मौन धारण करे हुए है और कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। तो इससे यह सिद्ध हो गया है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। लगातार महिलाओं और बच्चियों के साथ घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसको जो है इसके खिलाफ लगातार हमारी आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार लड़ाई लड़ रही हैं। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.